लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और जुलाई 2024 तक पूरी चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और आज आप सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं। आप सब काम पर लगने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले के समय में, यानी कि पूर्व की सरकारों के समय में, किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली होती थी, भ्रष्टाचार होता था और बहुत सारे ऐसे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो योग्य होने के बावजूद भी, योग्यता क्षमता प्रतिभा होने के बाद भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि चयन उनका हो जाया करता था जो नकल माफियाओं के साथ मिले होते थे, जिनकी नकल माफियाओं से साठगांठ होती थी और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के साथ, गरीब माता पिता का बेटे बेटियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। पेन ड्राइव से नकल हो जाती थी, पेपर आउट हो जाता था, क्वेश्चन बैंक आउट हो जाता था। भाइयों बहनों, ये जैसे ही इस प्रकार की बातें सामने आई, हमने कहा कि हम इसको और दबाएंगे नहीं, बल्कि हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे और हमने मुकदमा किया, हमने ये जो नकल माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी हमने कहा कि हमारे युवाओं का, नौजवानों का, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का, उनका आत्मबल बना रहना चाहिए, आत्मविश्वास बना रहना चाहिए, उनके अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए कि उनकी काबिलियत के कारण से, उनके परिश्रम के कारण से, उनकी अच्छी प्रशिक्षण के कारण से, अच्छी शिक्षा और संस्कार के कारण से उनका चयन अवश्य होगा। हमने पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए पूरे भारतवर्ष का सबसे कड़ा नकल कानून हम लेकर आए। उसी का परिणाम है कि पिछले सालों में जो 17,000 से अधिक ये जो भर्तियां हुई हैं, उन सभी भर्तियों में एक भी प्रकरण कोई विवादित नहीं हुआ है, एक भी नकल का मामला नहीं आया है। भाइयों बहनों, पहले के समय में योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते थे और प्रतिभाओं का निरादर होता था, समय बहुत लंबा लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारी और जो रिश्वतखोर थे वो अपना खेल खेला करते थे भाइयों बहनों। और इस कलंक को हमने जड़ से समाप्त करने के लिए सख्त नकल का कानून लागू किया और इसमें इतना तक प्रावधान कर दिया कि उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर दिया। और इसका परिणाम है कि लगातार अब भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और मैं आज आप समेत हमारे प्रदेश के सभी नौजवान युवा भाई बहनों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी कोई भी अब नकल माफिया हमारे युवाओं के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। भाइयों बहनों, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप सब देवभूमि में अपनी सेवा के लिए भगवान ने आपको जो है तैयार किया है। किसी का जन्म यहाँ हुआ होगा, किसी का अगर जन्म नहीं भी हुआ होगा तो उसको कर्म करने का अवसर देवभूमि में मिल रहा है, जिससे निश्चित रूप से आप ऐसे प्रदेश में सेवा का मौका आपको मिल रहा है जिसमें आपकी और राज्य की जो सफलता है उसकी असीम संभावनाएं हैं। आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं, जिस प्रकार से कम समय के अंदर भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर शुरू हुआ है, उस वर्क कल्चर को उत्तराखंड के अंदर भी लाना है और उस वर्क कल्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ उसमें विलंब हो सकता है, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विस्तार रूप लेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। हम सबके संकल्प के कारण से, हम सबकी एक रूपता के कारण से हम निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार की पवित्र धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमारी सरकार उनके इस कथन को चरितार्थ करने के लिए निरंतरता से कार्य कर रही है। आज उत्तराखंड कई क्षेत्रों में
देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में, जो इस वर्ष की नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम देश में पहले पायदान पर है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के पहले नंबर पर आया है। यही नहीं, उत्तराखंड देश में दूसरा सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में आप सभी की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। इसलिए आपको अपने कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन भी बनाने का प्रयास करना है। यानी कि विकास हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन विकास के साथ साथ जो हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो इकोलॉजी, उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में सामंजस्य बना रहे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने विकास को गति प्रदान करने के लिए सभी विभागों में नई तकनीकी और आधुनिक साधनों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी दक्षता, तकनीकी कौशल का उपयोग करके उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और आप नए युग के अभियंता हैं, नए अभियंता हैं, नई सोच के अभियंता हैं, तो आपका नवाचार, आपका इनोवेशन, ये जिन क्षेत्रों में भी आप जाएंगे, जिस ऑफिस में भी अपनी सेवाएं देंगे, जिस क्षेत्र को भी आपकी सेवा मिलेगी, उस क्षेत्र में लगना चाहिए। आज एक संकल्प लेकर आपको यहाँ से जरूर जाना चाहिए कि मैं जिस क्षेत्र में भी जाऊँगा, जिस क्षेत्र में भी मैं जाऊँगी, उस क्षेत्र में मेरे जाने के बाद कुछ परिवर्तन मैंने किया है, कोई नवाचार मैंने किया है, कोई नया काम ऐसा मैंने शुरू किया है जो लोग कहें कि नहीं, ये नई सोच के नए अभियंता आए हैं। पारदर्शी तरीके से जिनका चयन हुआ है वो अभियंता आए हैं, तो ये आप निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। और पहले दिन से, मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूँगा, पहले दिन से अपने जीवन में आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार का अनुशासन जीवन में बनाना है, किस प्रकार से आपको व्यक्तिगत जीवन में रहना है और किस प्रकार से आपको अपने सेवा में रहना है, ये आप अगर सुनिश्चित कर लेंगे पहले दिन से और थोड़ा सा अनुशासन अपना बना लेंगे, तो निश्चित रूप से आप हर प्रकार से सफल होंगे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि आप संतोषपूर्वक पूरे दिन भर काम करने के बाद अपने जब घर पहुँचेंगे और जब पूरे दिन में जो आपने अपने निर्धारित किया है वह सब काम कर लेंगे, तो ये तय मानिए कि आपका दिन भी अच्छा होगा, आपका जीवन भी अच्छा होगा, ये जीवन भी सफल होगा और आने वाले कई सारे जीवन आपके सफल हो जाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत एक बार फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप जिन क्षेत्रों में भी जाएं, आप जो लक्ष्य और उद्देश्य तय करें वो सब आपको प्राप्त हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी, का खर्चा निश्चित रूप से हमारे युवाओं का मनोबल बढ़ा है और आज नई सोच के अभियंता जो नाम दिया है मुख्यमंत्री जी ने, आज हमारे बीच उनका 14 का विषय धन्यवाद ज्ञापित करेंगे माने मुख्यमंत्री जी का। और आप इस घड़ी को आपके समझ लाते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र आएगी। तैयार हैं आप लोग? और ये तैयारी लगाने कब से आप कर रहे होंगे? जब मैंने जब से आपने अध्ययन शुरू किया होगा, न जाने कितने सपने बुन रहे होंगे। जब रिजल्ट आया तो उसके बाद तो और मन में ऊपर पता चल रही होगी कब मैं ज्वाइन करूंगा। तो चलिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों से कि आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे, ये नियुक्ति पत्र हमारे इन नवनियुक्त अभियंताओं तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले चलते हैं लोक निर्माण विभाग की ओर। विभागीय सचिव डॉक्टर रजीव कुमार सिन्हा इनके सानिध्य में आप लोग रहेंगे और विभागीय मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुखराम महाराज जी। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि जैसे जैसे पुकारते रहेंगे तो आप इनको नियुक्त कर देंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर चलते हैं और
जल्दी से आप आने के प्रेस करेंगे। सिविल में योगेश काराकोटी, मनोज तगड़िया और शीतल नेगी आप लोग आते रहे और मंच पे विभागीय मंत्री श्रीमान सत्तार महाराज जी हैं और आपके सानिध्य में आज से ये युवा अपने जीवन के लिए एक नई इमारत लिखने जा रहे हैं।